Academy. Myself, Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो कि हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं, वो सारी के सारे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी, हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। आज के लेक्चर में हमको देखना है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आइए, अब यहां पे कहता है आर्टिकल 21 lays down that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। यहां पर फर्स्ट आप जो देखोगे वो ये, यहां पर पहला फर्स्ट थिंग कहा गया है कि नो पर्सन। अब यहां पर ये बात करता है पर्सन की। अब पर्सन में कौन कौन आ गया? पर्सन में आ गए सिटीजन्स आ जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री के जो नागरिक हैं या हमारे देश के नागरिक हैं वो भी आ जाते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक ब्रॉड बेस है इसका, यानी पर्सन इसमें इंक्लूड है। इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब इसको अलग अलग इसके इसमें तक अगर देखेंगे तो तीन बेसिकली चीजें आती हैं। इसमें बात की जाती है कि नो पर्सन शैल बी डिप्रीव ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन को उसके नहीं लिया जा सकता, या उसकी स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी को, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। तो इन सभी को थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं। आइए, इसमें पहला फर्स्ट बात करता है यहाँ लाइफ। व्हाट इज लाइफ? लाइफ कहता है एज हियर यूज्ड समथिंग मोर इज मीन दैट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, मात्र एक एनिमल की तरह ही हमारा एग्जिस्टेंस रहे, इसको नहीं, बल्कि द इनहिबिशन अगेंस्ट इट्स डेप्रिवेशन एक्सटेंड टू ऑल दोज लिम्स एंड फैसिलिटीज बाय विच लाइफ इज एंजॉयड। हमारे सभी उन्हीं अंगों को जो सभी अंगों को जो जीवन का यानी कि लाइफ का एंजॉयमेंट लेते हैं, सभी के लिए सभी चीज जो है उसमें इंक्लूड आती है। अब सेकेंड जो बात करता है पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी में इसमें कई चीजों को इंक्लूड किया गया है, उसको हम डिस्कस आगे करेंगे। खासतौर से हम मेनका गांधी के केसेस में बहुत सारे चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है। एक्चुअली आप देखोगे को आर्टिकल 21 जो है ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको अभी तक सबसे ज्यादा टाइम इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी है, क्योंकि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक बहुत ही ब्रॉड बेस है, और उस ब्रॉड बेस में इनमें कई चीजों को टाइम टू टाइम इंक्लूड किया गया है। इसमें हमारा लाइफ टू फ्रेश एनवायरमेंट भी आ जाता है, लाइफ टू एजुकेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, राइट टू स्टे हेल्दी, ऐसे कई चीजों के बेस को इंक्लूड करके अभी तक इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो कई चीजें इसको इसमें इंक्लूड है। आइए हम देखते हैं उसकी हिस्ट्री, उसकी डिटेल के बारे में भी देखेंगे। अब लॉ का मतलब है यहाँ पर लॉ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेक नो डिस्टिंक्शन द प्रिंसिपल बिटवीन अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी जो भी लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ बनाया जाता है उसमें, और ऑर्डिनेंस इशू जो प्रेसिडेंट करते हैं उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया। अब आपने इसके पहले के लेक्चर्स में ये तो देखा है कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में भी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब जब भी पार्लियामेंट जो सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसे हमारे यहाँ नॉर्मली जो है एवरी 3 मंथ में एक सेशन यानी बैठक हो जाती है, और 6 मंथ में एक होना ही चाहिए। जैसे आपने सुना होगा विंटर सेशन है, मॉनसून सेशन है, बजट सेशन है, ऐसे जो डिफरेंट सेशन होते हैं उस समय अगर सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, देन प्रेसिडेंट हैज राइट टू फॉर्म अ लॉ और मेक अ लॉ। तो उस समय इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्डिनेंस, और ये पावर जो है प्रेसिडेंट को मिलती है आर्टिकल 123 के थ्रू उनको ये अधिकार मिला हुआ है, ये पावर है उनके पास। अब प्रेसिडेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया है पहले के लेक्चर्स में, प्रेसिडेंट का मतलब आप ये समझे ग्रैंडफादर यानी दादाजी। राइट्स यानी प्रेसिडेंट के नाम से ही सारे काम होते हैं, जो एक्चुअल वर्क करती है वो है कैबिनेट। ठीक, अब यहाँ जो फोर्थ थिंग हम देख लेते हैं, दैट इज प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी ये प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारे यहाँ
जो इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है उसमें प्रोटेक्शन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपसे नहीं छीनी जा सकती है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। अब ये चूंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिकन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कोर्ट हैज राइट कि वो जो भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव उन दोनों को ही वो कंट्रोल कर सकते हैं, लॉ किस तरह का बनाया जाना है और अगर उसके प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश है वो किस तरह के होंगे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग इसमें इन्वॉल्व किया गया, इसको थोड़ा डिटेल में अभी समझेंगे, देखते हैं। आइए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब इसमें क्या है कि ये एक्सटेंड है आज की सिचुएशन में, एक्सटेंड बोथ द सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंसिव मीन्स कि लॉ किस तरह का होना चाहिए, यानी कौन बनाता है लॉ, लेजिस्लेचर, यानी लॉ किस तरह का होना चाहिए 1978 तक बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना का जो अधिकार था वो इसके तहत नहीं आता था, लेकिन 78 में मेनका गांधी के केस में इसको भी एक्सप्लेन किया गया। तो सब्सटेंसिव यानी एक्सटेंड है, सब्सटेंसिव यानी लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव, एंड प्रोसीजर यानी उस लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए जो जो प्रोसीजर्स हैं वो, इन दोनों तक ही इसकी पहुंच है, यानी इन दोनों को ही इन्वॉल्व किया जाता है। तो अ प्रोसीजर नॉट टू फुलफिलिंग दीज एट्रीब्यूट इज नो प्रोसीजर एट ऑल द आईज ऑफ आर्टिकल 21। यानी आर्टिकल 21 में प्रोसीजर लॉ यानी कोई भी लॉ है उसके लिए किन प्रोसीजर्स को अपनाया जाता है, किसी को दंड देने के लिए, पनिश करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर जो है कोर्ट है वो भी कोर्ट इंस्ट्रक्ट कर सकती है, साथ ही साथ इसके बेस में सब्सटेंटिव भी आता है, यानी लॉ किस तरह के होंगे उसको भी इंस्ट्रक्शन देने का जो है अधिकार 78 के बाद कोर्ट के पास आ गया। आर्टिकल 21 को उस रेंज तक उसका स्प्रेड हो गया। अब देखते हैं क्या है। अब जैसे मेनका गांधी का केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस आर्टिकल से जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसने इसको बहुत वाइड बेस दे दिया। इस कोर्ट के बाद इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और इसमें हमारे कई और फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हो गए। लेकिन इस केस के पहले एक छोटा सा केस हुआ था जो था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। उसमें क्या किया गया था, उनको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया गया था और उन्होंने पर्सनल लिबर्टी को लेकर 21 के बेस पर केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पर्सनल लिबर्टी जो है सिर्फ अगर फिजिकल इन्फ्रिंजमेंट और कोशन यानी आपको अगर इस तरह के काम किए गए हैं तो ही वो अप्लाई होता है, यानी बहुत ही उसकी डेफिनेशन लिमिट करी गई थी। लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ इस केस में जो है उसके वाइड मीनिंग को डिफाइन किया गया आर्टिकल 21 को। अब यहाँ क्या हुआ था कि मेनका गांधी जो है उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लिया गया था, यानी जब्त कर लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। हालांकि इसको किया जो गया था वो एक लॉ के थ्रू ही किया गया था, पासपोर्ट एक्ट 1967, पासपोर्ट एक्ट 1967 के थ्रू ये किया गया, उनके पासपोर्ट को जब्त करा गया। उन्होंने इसको पूछा भी क्यों, अगर इसको जब्त करने के पीछे रीजन क्या है, तो उसे मना कर दिया गया। सो मेनका फाइल रीट पिटीशन चैलेंजिंग द ऑर्डर द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। द मेजर ग्राउंड द चैलेंज वाज ऑर्डर इंपाउंडिंग द पासपोर्ट वाज नल एंड वॉइड एज इट हैज बीन मेड विदाउट अफोर्डिंग हर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन हर डिफेंस। उनसे बिना पूछे उनके डिफेंस में कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया और उनके पासपोर्ट को जब्त कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया, ठीक। अब पिटीशन फाइल करने के बाद जो कोर्ट का फैसला आया उसने इसको इसकी हद आर्टिकल 21 की और ज्यादा बढ़ा दी, यानी इसको एक वाइड एक्सप्लेनेशन दिया। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसके दायरे में अगर लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाती है जिसके थ्रू पर्सनल लिबर्टी को बैन कर दिया जाता है किसी इंडिविजुअल को, तो उसमें तीन चीजों का शामिल होना बहुत जरूरी है। वो तीन चीजें कौन कौन सी आती है, वो आती है जस्ट, फेयर और रीजनेबल। यानी कि रीजनेबल, ये तीन चीजें जिसमें शामिल होंगी, यानी वो जस्ट हो, न्यायोचित होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और एक रीजनेबल
बेस पर अगर वो लॉ बनता है जिस तभी उसे वैलिड माना जाएगा और तभी उसके तहत जो है पर्सनल लिबर्टी इंडिविजुअल की बैन की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि उसके दायरे में इसने इतना ब्रॉड बना दिया इसको कि लेजिस्लेटिव अगर लॉ बनाती है तो और इसके थ्रू पर्सनल लिबर्टी को आपके बैन किया जाता है तो उसको भी 21 की इस रीजनेबल बेस से होकर गुजरना होगा। इसका मतलब ये है पहले 1978 तक उसकी जो पहुंच थी वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस तक थी कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस में इन सब इन पर्सनल लिबर्टी और लाइफ जो है उनको इन ग्राउंड पर देखा जाएगा। अब 21 के इंटरप्रिटेशन में ये कहा गया कि लेजिस्लेटिव अगर कोई लॉ बनाती है तो उनको इन तीन बेस से होकर के अगर वो तीन ग्राउंड्स पे सही ठहरते हैं तभी उस लॉ को वैलिड माना जाएगा। और इतना ही नहीं ये कहा गया कि आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन हमको कई और भी फंडामेंटल राइट के साथ इसको इंटरप्रिटेट करना चाहिए, इसको पढ़ा जाना चाहिए, तभी ये इंश्योर होता है। तो ये मेनका गांधी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस खासतौर से आर्टिकल 21 को इसने काफी वाइड बेस दिया है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 21 यानी लाइफ से कई चीजें जुड़ जाती हैं। इसके तहत राइट टू एजुकेशन है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू मेडिकल केयर है, राइट टू फूड है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। इसने अपने साथ साथ कई और अधिकारों को समाहित कर लिया है, इन्वॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इस किन किन अलग अलग कोर्ट केसेस के थ्रू इनको इन्वॉल्व किया गया उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको। जैसे ये देखिए जीविका, अब जीविका को लेकर ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में ये कहा गया द राइट टू लाइवलीहुड इज बॉर्न आउट ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ से ही लाइवलीहुड निकला गया है, निकला हुआ है। और किसी भी पर्सन को विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो पर्सन जो है जिंदा नहीं, पर्सन कैन नो पर्सन कैन लिव बिना लाइवलीहुड के, वो जीवित रह ही नहीं सकता। और किसी को अगर उसकी लाइफ से वंचित करना है, लाइफ से हटाना है तो उसकी जीविका छीन ली जाए, इसीलिए इसको लाइफ राइट टू लाइफ के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, उसको इंटरप्रेटेड उसके साथ ही किया जाना चाहिए। तो राइट टू लाइवलीहुड भी उसके साथ ही इन्वॉल्व हुआ। इसी तरह से राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल अ पर्सन टू लीड अ हेल्दी लाइफ एंड देयरफॉर द वुमन हु वाज टू मैरी अ पर्सन वाज एंटाइटल टू नो वेदर हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड हैज एनी डेडली और कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, ये उसको जानने का अधिकार है। ठीक, तो ये जो है राइट टू प्राइवेसी, इसके साथ ही साथ मतलब राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो है कुछ खास चीजों में मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है इस केस में राइट टू प्राइवेसी को और ज्यादा कर दिए, जैसे फोन टैपिंग केस भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कहा गया कि टेलीफोन टैपिंग जो है वाज हेल्ड टू बी द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। टेलीफोन टैपिंग जो है वो राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। इसी तरह से राइट टू शेल्टर, अब शांति सर बिल्डर वर्सेस नारायण केमल ट्रूटमैन के केस में इसमें क्या कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि The right to life is guaranteed in any civilized society that would take within its sweep the right to food, the right to clothing, the right to decent environment and reasonable accommodation to live in. The difference between the need of an animal and a human being for shelter has to be kept in view. एक इंसान और एक जानवर के बीच में डिफरेंस इसी आधारों पे किया जा सकता है कि एक इंसान जो है वो सिविलाइज्ड एनिमल है, तो उनको कम से कम राइट टू क्लोथिंग, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट एंड राइट टू रीजनेबल एकोमोडेशन, ये सारी बेसिक चीजें तो उसको मिलनी ही चाहिए। फिर यहाँ पे है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज कंसीडर ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग अ पर्सन। मेडिको लीगल केस के बारे में इसमें
डिफाइन किया गया कि किस तरह से जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में लाया जाता है तो पहले लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद ही हॉस्पिटल जो है उनमें कोई भी मेडिकल एक्टिविटी आगे करते थे। तो इसको कहा गया कि राइट टू लाइफ इज द फर्स्ट, तो पहले लाइफ को इंश्योर करना दैट शुड बी द फर्स्ट, इसीलिए लीगल जो भी एक्टिविटी है उसके क्लैरिफिकेशन बाद में किए जा सकते हैं। तो पहले जीवन को बचाना दैट शुड बी द फर्स्ट प्रियोरिटी। इसके साथ ही राइट टू हेल्थ विंसेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ हेल्थी बॉडी इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी। इवन आर्टिकल 47 में DPSP में भी जो है हेल्दी बॉडी की बात की गई है, इसीलिए जो है इसको जो राइट टू लाइफ के साथ ही इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। फिर राइट टू एजुकेशन को इसके साथ सीधा सीधा जुड़ा गया कि द राइट टू एजुकेशन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू एजुकेशन बींग concomitant to the fundamental right, the state की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के थ्रू उन्हें मैंडेट किया गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हर लेवल पे बेनिफिट करे या उन्हें डेवलप करे जो इसका सीधा सीधा फायदा सिटीजन्स को मिल सके। ठीक, इसके साथ ही जो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ अ वर्किंग प्लेस वुमेन का अगर होता है वर्क एज अमाउंटिंग टू द वायोलेशन ऑफ राइट जेंडर इनइक्वालिटी, सॉरी जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विच इज क्लियर वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 और 21, इनके साथ इसको इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राइट टू एनवायरमेंट राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट इज द इंक्लूडिंग इन द राइट टू लाइफ, फ्रेश एनवायरमेंट को राइट टू लाइफ, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेश रहेगा तभी लाइफ सिक्योर रहेगी, लाइफ प्रोटेक्ट रहेगी। तो फ्रेश एनवायरनमेंट सभी का मौलिक अधिकार है, इसको भी 21 के साथ इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। फिर मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बताया गया कि जो स्मोकिंग है दैट इंजूरियस जो है जो हेल्थ, साथ ही साथ जो कॉमन मैन है उनके हेल्थ को भी वो प्रभावित करती है, इसीलिए पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया गया स्मोकिंग को। इसी तरह से MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो दिल्ली में जो CNG बसेस चलाई गई हैं, ऑपरेशन जो करी जा रही हैं, उसे हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए है, इसीलिए वो रिजनेबल है, वो वैलिड है, करी जानी चाहिए। ठीक, तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये आर्टिकल 21 इज वेरी वाइड मीनिंग, इसका रीच बहुत बड़ा है और इसने हमारे कई और फंडामेंटल राइट्स को इसने साथ ही समाहित कर लिया। इसलिए कोई भी इंटरप्रिटेशन, एक छोटा सा वर्ड जो है मेनका गांधी के केस में राइट टू लाइफ, इट मींस द राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। एक इंसान का जो जीवन, एक व्यक्ति का जीवन है, उसे एक एनिमल से जोड़ के नहीं बल्कि डिग्निफाइड गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। और इसके साथ ही उसके इंटरप्रिटेशन में हमारे कई और भी फंडामेंटल राइट उसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं।